नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड की जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, थोड़ा सा आवाज़ आज ख़राब है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चलिए, धीरे धीरे लोग यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गए, तो पहले वीडियो को यार लाइक और शेयर कर दो। इसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करने वाले क्या, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक, जो दोस्तों आपका 2 पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर में हिंदी और जीके आता है, वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो आपके सारे के सारे जो 100 प्रश्न आज यहाँ पर सॉल्व होंगे। तो सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है ना, क्लास को स्टार्ट किया जाए। बच्चे जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं कमेंट करके बता दें आप सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है, उसके बाद क्लास को करते स्टार्ट। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद फिर से एक और टेस्ट लेना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि पहले जीके से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। वायु की आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, हाइग्रोग्राफ यहाँ पर दिया गया है, हाइग्रोग्राफ। तो इसके द्वारा दोस्तों वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर दो आपके यहाँ पर क्या कह रहा है, किस ग्रह को शाम का तारा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो भाई शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र ग्रह को सुबह या शाम का तारा कहा जाता है, और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, गया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर तीन सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है सर, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपकी विक्टोरिया झील है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 4 है, भारत का दक्षिणतम द्वीप पूछा गया है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, 4 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा अंडमान होगा, तो ये आपका बी वाला दक्षिण अंडमान हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी लोग यहाँ पर सी बोल रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि स्लेट और संगमरमर क्या है, बताइए सर, स्लेट और संगमरमर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चलिए 5 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिए दोस्तों 5 का जो करेक्ट आंसर है, स्लेट और संगमरमर की अगर हम बात करते हैं तो ये कायांतरित चट्टाने होती हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखिए क्या कह रहा है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर, जापानी भाषा का, टी से लिखा जाता है, टी सुनामी, ये बेसिकली एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की ओर अति तीव्र लहरें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है, बताइए सर, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है? 7 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो भाई याद रखिएगा स्पेन की मुंबई की बात करते हैं तो बर्सिलोना को कहा जाता है, बर्सिलोना को स्पेन की मुंबई कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर नहीं बहती है, सॉरी बहती है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? क्वेश्चन नंबर 8 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों भारत की जो 2 नदियां हैं, एक नर्मदा और एक आपकी ताप्ती, ये 2 नदी याद रखिएगा, ये भ्रंश घाटी यानी कि भ्रंश धोड़ी से होकर के बहती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखिए क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो जो है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, मोहनजोदाड़ो जो है आपका कहाँ पर स्थित है? अब देखिए 9 का आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों ये सभी को पता है मोहनजोदाड़ो यानी कि मृतकों का टीला, ये सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था जो कि सिंध प्रांत में स्थित था। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, 10 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है, 10 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, मातृशक्ति में, यहाँ पर देखा जाए तो सिंधु घाटी के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखिए क्या कह रहा है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए, पाल वंश के संस्थापक कौन थे?
11 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात सर, 11 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या आपके रामपाल। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है सर, गोपाल, जो आपके गोपाल थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए आदि ग्रंथ संकलित किया था, क्वेश्चन नंबर 12, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। आदि ग्रंथ जो है किसने था, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करो आप लोग। 12 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों गुरु अर्जुन ने, जी हाँ दोस्तों गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ जो है संकलित किया था। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि सर टॉमस रो, इनके बारे में सभी ने सुना होगा, तो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए 13 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है, 13 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सर टॉमस रो की बारे में बात हो रही है ना, तो टॉमस रो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बोलो साथी, वो दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, देखिए कह रहा है हल्दी घाटी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, हल्दी घाटी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था। 14 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों हल्दी घाट ये आपका लड़ा गया था कब, 1576 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 15 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। किस मुगल शासक को भाई आलमगीर कहा जाता था, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है 15 का। तो याद रखिए दोस्तों 15 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, औरंगजेब को, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है सर, 16 है, जवाब देखिए 16 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 16 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा भाई, स्वराज पार्टी की स्थापना की बात हो रही है, तो बिल्कुल सही बात है सर, 16 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है 1923, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, साइमन कमीशन जो है भारत किस वर्ष हुआ था, बताइए। साइमन कमीशन का भारत आगमन बेसिकली पूछा गया है किस वर्ष हुआ था, जवाब देखिए 17 का, जी सर प्रयागराज से, बहुत अच्छी बात है, 17 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 1928 में, देखिए आगमन की बात कर रहा है ना, तो 1928 में इसका आगमन हुआ था, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, चौरी चौरा जो नामक प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पे स्थित है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है आपका कहाँ पे अवस्थित है, जवाब देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है गोरखपुर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कहाँ पे स्थित है आपका, गोरखपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जवाब दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर, 19 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर, 19 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9 अगस्त 1942, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, देखिए स्वतंत्र भारत का पूछा गया है, अंतिम गवर्नर जनरल, जवाब देखिए 20 का आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर, स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करते हैं अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में, तो सी राजगोपालाचारी थे, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, जवाब देखिए 21 का आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर, 21 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो आपके अस्थायी सदस्य थे। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो प्रभावित है, 22 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो आपकी इंग्लैंड से प्रभावित है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 22 का ए होगा दोस्तों। अगला देखो क्या कह रहा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है, बताइए सर, भारत राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की उम्र न्यूनतम उम्र सीमा है, 23 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं 35 वर्ष, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राज्यपाल के पद की बात हो रही है ना। चलिए कुछ लोग यहाँ पर 30 वर्ष बोल रहे हैं, 30 साल बोल रहे हैं, 23 का, तो 23 का भाई 35 वर्ष होता। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, बताइए सर,
विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। 24 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों के बारे में तो टोटल ये आपके भाई विधान परिषद व राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रारंभिक अवधि कितने वर्ष का होता है। बताइए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है। 25 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 25 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि की बात आ रही है, प्रारंभिक अवधि की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह, यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि आपके सभी को पता है पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। तो याद रखिए दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो बेसिकली कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 है। भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ है वो किया गया। 27 जब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों पंचायती राज का जो प्रारंभ है 1959 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों 27 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये क्या पंचायती राज से एक संबंधित और क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों 27 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये क्या पंचायती राज से एक संबंधित और क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस स्तर पर। भाई ग्राम पंचायत का जो गठन है किस स्तर पर होगा, आप लोग खुद भी गेस कर सकते हो। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ग्राम पंचायत है। तो आराम से आप लोग जवाब दे सकते हो, आपका हो जाएगा ग्राम स्तर पर। इसी तरह का आपका ये क्वेश्चन छोड़ दो, कुछ क्वेश्चन आपके पुराने हैं। सही है, आपको मैं करंट अफेयर अलग से करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, 35 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, चलिए 35 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो 35 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों है भाई, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंप्यूटर कार्य करने सिद्धांत, भाई तीनों पे बेसिकली निर्भर करता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। 36 है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है सभी को पता है ना, तो इसमें क्या प्रयोग होता है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 36 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल संकेतों का भी यूज करते हैं, एनालॉग संकेतों का भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, 1 KB किसके बराबर होता है। भाई 1 KB 1 MB सब सुना है आप सभी ने, तो 1 KB जो होता है वो किसके बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा 1 KB जो होता है 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है, और 1024 KB जो होता है वो आपका 1 MB के बराबर होता है। इसी तरह 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ध्वनि गुजर नहीं सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ध्वनि जो है गुजर नहीं सकती है, तो भाई मुझे पता है ध्वनि जो है उसके लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए होता है जैसे माध्यम, बट निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अगला देखो क्या कह रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सर 39 कह रहा है, विद्युत मात्रा की इकाई है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, विद्युत मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये एम्पियर होता है इसकी इकाई। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है कि अनुवांशिकी जो है किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सर 40 है, अनुवांशिकी जो है किससे संबंधित है। 40 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों अनुवांशिकता से, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अनुवांशिकी जो है आपकी अनुवांशिकता से संबंधित है। 41 का जवाब दीजिए, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। बताइए सर रक्त समूह के आविष्कारक कौन है। 41 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 41 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड स्टीनर। जी हाँ दोस्तों रक्त समूह आप सभी ने पता है 4 तरह के रक्त समूह होते हैं, तो उनके जो आविष्कारक है वो कौन है भाई, आपके लैंड स्टीनर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का जो संबंध है बताइए किससे है। 42 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो पेस मेकर की बात करते हैं तो इसका संबंध हृदय से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगला देखिए क्या कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 43 का जवाब दीजिए, बंद अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं इससे, बेसिकली
43 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात जो होता है आपका बेसिकली बंद होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात दोनों आपका बंद है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई थी बताइए, बताते हुए चलेंगे। CSO की स्थापना कब हुई थी? चलिए धन्यवाद। देखिए प्रभात रस्तोगी जी कह रहे हैं, सर BEd में आपकी वजह से मैं टॉप 4 में आया था, तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद प्रभात जी। क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 44 का जवाब देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, 1951 ईस्वी में। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? देखिए हमने अपनी मेहनत की, लेकिन आपको अगर टॉप 10 में, टॉप 4 में, टॉप 5 में आना है तो आपको भी उसी तरह से मेहनत करनी होगी। सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। देखिए मुद्रा जो है स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये है क्राउमर ने कहा था। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्रामर और क्राउथर में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए कुछ लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर सी होगा। भारत का यूनिट ट्रस्ट यानी कि UTI की स्थापना कब हुई थी बताइए सर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। चलिए जवाब सिंकी गुप्ता, सर मेरा भी फ्री सीट में था, बहुत अच्छी बात है। 46 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 1964 से यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जिसको भी फ्री सीट चाहिए आराम से मेहनत करो, मिल जाएगी यार फ्री सीट, 2000-3000 रुपये फीस लगती है सिर्फ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? 47 जवाब देखे आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका संबंधित है साहित्य से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बस शेयर किया करो दोस्तों को, अपने जितने भी आपके ग्रुप जुड़े हैं, कुछ भी जुड़े हैं उनके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ग्रुप वीडियो को। 48 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 48 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 जनवरी। शहीद दिवस जो है आपका 30 जनवरी को होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए, विश्व डाक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? जवाब देखिए 49 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 49 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस जो आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भारत का फ्लाइंग सिख, इनके ऊपर मूवी बन चुकी है बताइए, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, भाग मिल्खा भाग, आपने मूवी भी देखी होगी, तो मिल्खा सिंह, तो ऑप्शन जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रोहित कुमार जी, पेपर डेट जो फिक्स करता है UPBEd, बहुत ही कम चांस होते बढ़ाने के, अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो बढ़ेगा, बट 8 अप्रैल को ही पेपर होगा। अगला देखो क्या कह रहा है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या देवनागरी? जवाब देखिए 51 का आना शुरू हो गया है। तो 51 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खड़ी बोली। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है सर। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप आपका क्या है भाई, खड़ी बोली है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो भाई बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से, हिंदी पे आ गए हम लोग अब, बघेली बोली का जो संबंध है किस उपभाषा से है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 52 है, जवाब देखिए 52 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, बघेली जो है आपका पूर्वी हिंदी का है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सर 53 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 53 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 53 जवाब देखे आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, व्यंजनों की संख्या जो आपकी 33 है, सभी को पता है। अगला देखो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है बताइए, 54 में बताइए कौन सा आपका सही है, आ ए उ और ई आ। जो लोग अभी लोग जो लोग जुड़ रहे हैं भाई, 50 क्वेश्चन GK का ऑलरेडी करवा दिया मैंने, उसके आगे टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग टाइम से आ जाया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और टेलीग्राम पर जुड़ जाओ हमारे PDF के लिए, ठीक है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। 54 का जवाब देखिए क्या हो जाएगा, चलिए 54 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इया हो जाएगा, इया जो है दोस्तों आपका स्वर नहीं है। अगला देखो क्या कह रहा है, साखी के रचयिता कौन है? साखी शब्द रमायणी सबने सुना है ना, तो बताइए सर साखी के रचयिता कौन है? इतना हिंट दे दिया मैंने, जवाब आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, साखी के रचयिता आपके कबीरदास जी हैं। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं कबीरदास भाई, रसखान जी नहीं है, कबीरदास जी, ठीक है। साखी शब्द रमायणी जो है ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है?
देखिए, रचयिता रचना से क्वेश्चन बहुत बनता है आपके इस पेपर में। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 56 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 कह रहा है कि ये हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक, जवाब देखिए यहाँ पर 57 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, 57 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अज्ञेय जी को माना जाता है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक है बताइए सर। फणीश्वरनाथ रेणु जो है किसके लेखक है। देखिए, रेणु जी की बात करते हैं तो एक उनकी कविता जो है, एक उनकी जो क्या बोलते हैं जो रचना है काफ़ी फेमस है, मैला आंचल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी हो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क पर मिलेगा। देखिए, पिछली बार ये समझ लीजिए कि 250+ जो थे उनको शायद मिल गया था, तो आप भी कोशिश करिएगा 250, 260, मतलब 300+ कोशिश करिएगा, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 जवाब देखे आना शुरू हो गया है। तो 59 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यड़ संधि। यद्यपि में देखा जाए तो आपका यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 60 जवाब देते हुए चलेंगे, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। यदि धन अपी, चलिए 59 में पूछना क्या होगा सर, यदि धन अपी था, तो यदि धन अपी मैंने आपको बताया है आपका यड़ संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 60 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए स्वर संधि, देखो समधन योग व्यंजन है, नमस्कार आपका नमः धन होता है, विसर्ग संधि है, मनोहर में भी आपका स्वर नहीं है, पवन में देखा जाए तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, मनोहर यहाँ पर दिया गया है और पवन दिया गया, पोधन अन होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। वैसे 60 में देखा जाए तो मुझे कोई भी करेक्ट नहीं लग रहा, 60 में देखा जाए तो मनोहर में भी आपका स्वर संधि नहीं है, पवन में देखा है पोधन अन, डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा माफ, क्योंकि आपको पता है ना पो प्लस अन बराबर पवन होता है, तो ये आपका स्वर संधि के भेद में पांचों जो भेद दिए गए उसके अंडर में आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 61 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, मनोयोग। देखिए, जवाब विसर्ग संधि का उदाहरण ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है, बट यहाँ पर कौन सा है सर, बी वाला, मनः प्लस योग, ये जो है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सन्मति बताइए, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो सन्मति कह रहा ना, तो सन प्लस मति है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ए बोल रहे हैं, बट ए नहीं, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्रावण, नहीं संधि नहीं है सर, मिक्स चल रहा है, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, मिक्स चल रहा है, बट लाइन से सब कुछ आपको सारे क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलिए 62 वाले में थोड़ा सा कंफर्म कर लिए, सनमति दिया गया ना, सनमति यानी कि यहाँ पर सन प्लस मति दिया गया, सम प्लस मति दिया गया, सत प्लस मति दिया गया। चलो ठीक है, इसको मैं क्लियर करके बताता हूँ। श्रावण का जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो याद रखिए दोस्तों, श्रावण में देखा जाए तो स्रव प्लस अन होता है। ठीक है, स्रव प्लस अन होता है, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और 62 में करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका सत प्लस मति होगा, सत लगना चाहिए। ठीक है, सनमति में आपका सत प्लस मति होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ए नहीं सही होगा, वहाँ पर डी वाला करेक्ट होगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, अभी मैंने आपको एक हिंट दिया था सर, नेगेटिव मार्किंग क्यों, उत्तराखंड में तो नहीं है। अब उत्तराखंड का बोर्ड अलग है, यूपी बीएड का बोर्ड अलग है, क्या कर सकते हैं। 64 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, 64 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, पाँच भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। 65 जवाब देखे आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों, अति प्लस आचार, बिल्कुल सही बात है सर, अत्याचार यानी कि अति प्लस आचार, तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग सभी को पता नहीं क्या होता है, अपवाद है, पराजय है, ओढ़ना है और प्रभाव है। देखिए जवाब देखिए 66 का आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ओढ़ना में किसी भी प्रकार का उपसर्ग जो है नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है।
क्वेश्चन नंबर 67 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। कनिष्ठ जो शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय है। चलिए 67 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों 67 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपका ईस्ट है। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है 68, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है दोस्तों। 68 क्या हो जाएगा, निर्वाह में दिया गया है ना, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग अभी तक 66 पे ही 67 पे भी अटके हुए हैं, तो यहाँ पर 68 का जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय बताइए किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। अगले साल 4 साल वाला हो जाएगा, पूरे चांसेस हैं, तो इस साल ही आप लोग कोशिश करो गवर्नमेंट सीट निकालो और आराम से बीएड कंप्लीट कर लो अपना। 69 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों क्रिया क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, 70 का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, किसमें उपसर्ग नहीं है बताइए। सुयोग, अत्यधिक, विदेश और सुरेश। चलिए 70 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो देखो देश विदेश, सुयोग में भी सु लगा है, अत्यधिक में अति लगा हुआ, लेकिन हम बात करते हैं सुरेश में, तो सुरेश में देखा जाए तो कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर 70 का जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि गौशाला में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 71 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला गाय के लिए साला, यानी कि यहाँ पर जवाब देखे आना शुरू हो गया, तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास बिल्कुल सही बात है सर। 91 लोग जुड़े हो, थोड़ा सा शेयर करो, 100 लोग तक पहुँचाओ, और बर्थडे कम से कम 100 स्टूडेंट आएंगे ना, तो मैं 100 क्या 200 क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को। अगला देखिए कह रहा है चक्रपाड़ी में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर, चक्रपाड़ी में कौन सा समास है। जवाब देखिए 72 का आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों चक्रपाड़ी में देखा जाए तो चक्र है जिसके पाड़ी में विष्णु जी की बात हो रही है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है, नरोत्तम में कौन सा समास है बताइए। नरोत्तम में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 73 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो नरोत्तम में देखा जाए तो नर है जिसका मतलब उत्तम नर, तो यहाँ पर देखा जाए नरोत्तम में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, और यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं तत्पुरुष समास, तो वहाँ पर वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, कर्मधारय नहीं होगा सर, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, विभक्ति का जब लोप होता है तो वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। अगला देखो क्या कह रहा है कि नवग्रह में कौन सा समास है। 74 का जवाब दिए नवग्रह में, देखिए पहले आपका संख्यावाची आ गया ना, तो बताइए क्या हो जाएगा। नहीं सुमित जी, चेंज होने के बहुत कम चांस है, एग्जाम डेट 8 अप्रैल है। नवग्रह का जवाब देखे आना शुरू हो गया है, तो याद रखिएगा नवग्रह की बात करते हैं तो आपका द्विग समास हो जाएगा, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं द्विग समास वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। 75 सभी लोग जवाब दीजिए कौन सा शब्द जो है आपका देशज है। 75 जवाब देखे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर लोटा जो है आपका देशज शब्द है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं लोटा वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 76 है, 76 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं, शत्रुता है, मनुष्य है, वीर है, गुरु है, तो बिल्कुल सही बात है सर, शत्रु बना है शत्रुता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 77 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, आंसू का बहुवचन क्या होगा। चलिए 77 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो भाई आंसू का जो बहुवचन होता है क्या होता है, सभी लोग यहाँ पर जितने भी साथी लोग जुड़े हैं सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है, आंसू का कोई बहुवचन नहीं होता है, तो आंसू ही हो जाएगा, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अव्यय के कितने भेद होते हैं, पहले भी बताया जा चुका है, बताइए अव्यय के कितने भेद होते हैं। 78, चलिए 78 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो भाई अव्यय की बात करते हैं तो टोटल आपके 4 भेद होते हैं, कितने 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन जो इसका बी, जितने भी लोग जवाब दिए मुकुल निर्वन जी ने जवाब दिया सबसे पहले 78 का बी, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है सर, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। अभी कल मैंने शायद अनअकैडमी क्लास लिया था, फ्री वाली क्लास जो होती है, 79 का जवाब देखे आना शुरू हो गया है, तो याद रखिए 79 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनीक, तो सेना का पर्यायवाची क्या होता है, अनीक होता है, तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द है,
अनिल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 80 जवाब देखे आना शुरू हो गया है। तो भाई अगर हम बात करते हैं अनिल के बारे में, तो अनिल का जो पर्यायवाची शब्द है आपका पवन हो जाएगा। पवन, हवा, अनिल, ये सब आपके होते हैं अनिल के पर्यायवाची। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरे सर, प्रीवियस ईयर का मतलब है सर 2019 का नहीं, 2019 में पहले ही करवा चुका हूँ। 2018, 2017, पिछले 10 सालों में जितने भी पेपर है सब आपको मिला के करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है सर। धरती का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है और आप सभी को पता है बीएड का पेपर बाहर निकलता नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके स्मृति पे आधारित होते हैं जो उसमें बनाए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 के जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अचला। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है सर। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। आकाश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है। 82 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 282 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंबक है। अंबक की बात करते हैं तो ये आपका आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब देखो, आकाश अनंत होता है तो अनंत भी उसका पर्यायवाची है, ठीक है। अंबक जो होता है आकाश का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए सर, आम का कौन सा शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है। 83 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 83 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो दोस्तों 83 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, पिक जो होता है आम का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं पिक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो आपसे क्या कह रहा है कि गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 84 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 84 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो गमन का विलोम आपका आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है सर। मौन का विलोम शब्द क्या है, मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 85 जवाब देखे आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात सर, मौन का विलोम अगर हम बात करते हैं तो आपका मुखर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई क्या कह रहा है सर। परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परोक्ष का विलोम बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो परोक्ष की बात करते हैं तो परोक्ष का विलोम आपका प्रत्यक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 86 के बाद 87 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का यहाँ पर 87 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात सर, कृतज्ञ का विलोम जो होता है कृतघ्न होता है। क्या होता है, कृतघ्न होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विलोम शब्द पूछा जा रहा है। अगला देखो क्या कह रहा है, वह वस्तु जो नाशवान हो, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 88 यहाँ पर कह रहा है, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 88 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 88 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा नश्वर। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, वह जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जो है जीवित हो उसे क्या कहते हैं, नवासी। जवाब देखिए नवासी का आना शुरू हो गया है। तो भाई जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई क्या कह रहा है कि वह स्त्री जो अभिनय करती है, वह स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या बोलते हैं, नर्तकी, अभिनेत्री, नती या नायिका। जवाब देखिए 90 का आना शुरू हो गया है। तो 90 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 94 कह रहा है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 94 का जवाब दीजिए, विभावरी जो है दोस्तों आपका किस प्रकार का शब्द है। 94 जवाब देखिए 94 का आना शुरू हो गया। तो विभावरी जो आपका तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं तत्सम, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है कि भाई बहनोई शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, बहनोई जो शब्द है इसका तत्सम क्या हो जाएगा। जवाब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 95 का जो करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, भागिनीपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागिनीपति होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है सर, ठन ठन गोपाल, सब कहते हैं ना भाई ठन ठन गोपाल, तो ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 96 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। 96 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों ठन ठन गोपाल का मतलब होता है कंगाल। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं कंगाल, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
अगला देखो क्या कह रहा है सर, घर बसाना का अर्थ क्या होता है, घर बसाना का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर घर बसाना का जो अर्थ है क्या होता है, तो याद रखिए दोस्तों घर बसाना का अर्थ होता है आपका विवाह करना, ठीक है, विवाह करना। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है सर, चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें कौन सा अलंकार है। 98 जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों चरण कमल बंदो हरि राई पहले भी बताया जा चुका है, रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, बताइए चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। 99 जवाब देखिए, 99 का आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चरण आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 100 पर। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए सर वीर रस का स्थायी भाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 100 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह है। अभी 5 मिनट बाद आपका एक और टेस्ट होगा, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वहाँ पे जरूर आइएगा। इसके अलावा इसका जो आपको आंसर की है की के साथ PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, अभी आपको PDF जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद, तो आप लोग जरूर आइएगा। ये टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सभी से 5 मिनट बाद।